75 डेज हार्ट चैलेंज डे 13। तो हमेशा की तरह उठ गए 4:30 बजे और पहुंच गए 5 बजे वॉक करने के लिए। वॉक के बाद थोड़ी देर गरबा देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि रॉनी सो रहा था तो उसको डिस्टर्ब करे बगैर हम आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पर ये किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, कमेंट में जरूर बताइएगा ये है क्या। सबसे पहले मैं चढ़ने का ट्राई करती हूँ, तो मैं चढ़ जाती हूँ कैसे भी करके और उसके बाद बहुत ही जद्दोजहद के बाद मैं भी चढ़ जाती हूँ। फिर ये लर्निंग स्टेज है तो थोड़ा थोड़ा हम बैंड होने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारी डेली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, यानी कि जो डे 1 से हम करते आ रहे एक्सरसाइज वही करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप कर लेते हैं जिसमें नेक एक्सरसाइज, जंप, स्ट्रेचिंग और साथ ही साथ अल्टरनेट टो टच कर लेते हैं। फिर स्क्वाट्स और प्लैंक करने के बाद हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है। और आपको तो पता है कोई भी नई चीज सीखते हैं तो हमें बार बार करने का मन होता है, तो हम फिर से बैंड होने के लिए आ जाते हैं और भैया को दिखा देते हैं कि हमने ये सीख लिया। और इस 75 डेज जर्नी में भैया और मम्मी भी हमारे साथ देते हैं, तो ये भी जल्दी से उठ के हमारे साथ वॉक करने और योगा करने आते हैं। एक्सरसाइज के बाद हम घर आ जाते हैं और काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बिस्तर समेटने का काम करते हैं और गर्मा गर्म चाय बना ली। और आपको तो पता है छुट्टी होती है तो मशीन भी लगानी होती है, तो बस कपड़े की मशीन लगा दी, सफाई वाला काम भी निपटा लिया। फिर हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट जिसमें गर्मा गर्म दूध, बादाम और मखाने खाए। फिर हम तैयारी कर लेते हैं लंच बनाने की और जैसे ही फ्री हो जाते हैं उसके बाद हम लंच कर लेते हैं। लंच में हमने मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई रोटियां बनाई थी तो उसे खा लिया और लंच अच्छे से इंजॉय कर लिया। और ये है हमारी आज की सेल्फी। फिर हम कर लेते हैं शाम के खाने की तैयारी और क्या देखते हैं कि टफी आके वेट कर रही है। किस चीज का? वो उबले हुए आलू का वेट कर रही है, क्योंकि आज मम्मी और पापा का फास्ट था तो फरियाल बनाया था तो उबले हुए आलू भी थे। तो बस उसे हमने बॉइल पोटैटोस दे दिए। फिर हम खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जैसे ही खाना बन जाता है उसके बाद हमारे वर्कआउट का टाइम हो जाता है, तो हम कर लेते हैं एक्सरसाइज जिसमें हम डे 1 से जो एक्सरसाइज कर रहे वही करते आ रहे ताकि हम 75 डेज चैलेंज को कंप्लीट कर पाए। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। बुक वाला टास्क अभी पेंडिंग है तो हम क्या करते हैं, बुक वाला टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कर लेते हैं डिनर जिसमें हमने दूध और चपाती खाई। अब करते हैं हमारा फेवरेट काम, यानी कि डे चार्ट पर क्रॉस लगाना। तो इस तरह से 75 डेज हार्ड चैलेंज के डे 13 के सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब बचते हैं हमारे 62 डेज और अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू।